आज के दौर में बहुत सारे युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे ही युवाओं के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रीमियर इंस्टीट्यूट डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी में 15 वैकेंसी निकली है। ये भर्तियां ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए निकाली गई हैं। इन पदों के लिए सेलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन पदों पर सिर्फ इंटरव्यू के जरिए सेलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए DRDO द्वारा आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप यहीं से एप्लीकेशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर होगी ट्रेनिंग। ग्रेजुएट अप्रेंटिस 3 पद, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस 12 पद, कुल पदों की संख्या 15 पद। स्टाइपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस को ₹9,000 प्रतिमाह, टेक्नीशियन अप्रेंटिस को ₹8,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। योग्यता ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE या BTEC, फूड साइंस में BSc, फूड टेक या फूड प्रोसेसिंग में BTEC। वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए शैक्षणिक योग्यताएं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, बेकिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग में डिप्लोमा जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर 2020 तय की गई है। वहीं वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 13 नवंबर 2020 तय की गई है। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।